सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस। विश्वासम अजीत कुमार की मूवी है जिसका इंतजार किया जा रहा है। अजीत कुमार की सारी मूवीज में तो हिंदी में आ चुकी है और विश्वासम अब बाकी रही है। 2018 में आई थी ये रोमांसिक प्रेम की मूवी। अजीत कुमार इसमें नजर आने वाले नयनतारा के साथ दे रही है। गोल्ड मैन ने इसके राइट कब से खरीद लिए थे 13 करोड़ में, पर रिलीज नहीं किया जा रहा था। अब मूवी को रिलीज किया जाएगा बहुत जल्दी और टीवी प्रीमियरों का सोनी मैक्स पे। IMDb रेटिंग थी मूवी की 6.8 की। तो मूवी आपको देखने को मिलने वाली है तो दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में। मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर थी, काफ़ी हिट हुई थी। मूवी विश्व बेटा के रजनीकांत के साथ रिलीज हुई थी। दोनों ने काफ़ी तगड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन विश्वासम ने बाजी मार ली और विश्वासम हिट हो गई। वैसे भी बेटा भी हिट रही थी, लेकिन विश्वासम काफ़ी खतरनाक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस टाइम। वेडलम और वीरम और जैसी और विवेकम जैसी मूवी देखने के बाद विश्वासम नाम फिर से एक अजीत कुमार की मूवी आने वाली है और उसका फैन काफ़ी पैसा भी से इंतजार करते हैं, क्योंकि पैसा भी से ब्लॉकबस्टर एक्शन कर रहा है, मूवी में रोमांस तगड़ा है। कहानी इस प्रकार हुई थी, विश्वासम एक यानी कि अजीत कुमार का किरदार है वो गाँव का एक खतरनाक हीरो होता है, लेकिन नयनतारा वहाँ पर आती है, उन दोनों में प्यार हो जाता है, फिर उनकी एक बच्ची होती है, लेकिन नयनतारा को विश्वासम की काम है वो पसंद नहीं, लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर जाना, तो उसे छोड़ के चली जाती है इसके लिए। फिर विश्वासम फिर से अजीत कुमार का किरदार अपने फिर से फास्ट में जाता है और नयनतारा के पास जाता है, उसकी एक बच्ची को छुट्टी होती है, तो उसे पता चलता है अजीत कुमार को उसकी बच्ची पे खतरा है। भी जगावती बाबू के रूप में उसमें विलन है जो उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसकी बच्ची के कारण जगावती बाबू की बेटी की जान चली गई थी। वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जगपति बाबू से कैसे भिड़न दिया गया, खतरनाक ब्लॉकबस्टर एक्शन देखने को मिलने वाला है सेकेंड हाफ में। आपको मजा आएगा देखने में, लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना।